आजमगढ़ शौर्य और पराक्रम के प्रतीक 25वीं कारगिल विजय दिवस मेहता पार्क में शहीद स्मारक पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने वीर शहीदों को नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राय ने कहा, मां भारती की सेवा में आन बान शान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को विनम्र में श्रद्धांजलि अर्पित कर 25वीं कारगिल दिवस मनाया गया। देश अपने वीर बलिदानियों का युगों युगों तक कड़ी रहेगा। उन्होंने कहा, हम लोग हमारी पार्टी तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन कर रहे न रहे ऐसे सिद्धांतों पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कहाँ प्रदीप साहब तक और दोस्ती जाना है तो अभी शहीद दिवस का 25वीं वर्षगांठ क्या कहें? ये निश्चित रूप से हर भारतवासी के लिए आज का ये गौरव का दिन है, गौरव का क्षण रहा है। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तानी कबायलियों द्वारा हमारी हिल पर कब्जा हुआ था और भारत के वीर सपूतों ने अपना पराक्रम शौर्य दिखा करके सबसे लंबी चोटी पर पहुंच करके और भारत को विजय दिलाने का हमारे वीर रणबांकुरों ने किया है, तो आज का दिन उनके लिए नमन का दिन है, उनके लिए याद करने का दिन है। और हम समझते हैं कि हर भारतवासी के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए इसको भारतीय जनता पार्टी सदैव इसको विजय दिवस के रूप में मनाती है। तो आज हम सब लोग इसको विजय दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्रित हैं अपने शहीदों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए कि आज ये विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको भी स्मरण दिलाने के लिए कि हमारे लिए कौन कौन सा पल कौन कौन सा क्षण हमारे लिए स्मरणीय होता है। और इससे एक संदेश भी जाता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, 1999 में कारगिल विजय दिवस हुआ था और आज हम 2024 में हैं, उसके बाद की आने वाली हमारी पीढ़ी उनको पता भी नहीं चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में हमारा पड़ोसी देश भारत पर लगातार अटैक करता रहा और उनके लोग भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का जो कुत्सित प्रयास करते रहे उसको कैसे भारत के वीर सपूतों ने सफल किया है। तो स्वाभाविक तौर पर आज का क्षण हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होता है और अपने वीर सपूतों को नमन करने का। आजमगढ़ का लाल भी राम समूह यादव शहीद हुए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से आजमगढ़ के हमारे जो राम समूह जी, और उस समय एक जन सैलाब उमड़ा था आजमगढ़ का, हर व्यक्ति उनको नमन करने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गया था। तो मैं ऐसे अपने राम समूह जी को भी आज के अवसर पर उनको नमन करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके जिन्होंने इस भारत के लिए अपना बलिदान दिया है उनको याद करने का क्षण है, हम लोग याद करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।